चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें मनी 99 को और प्रेस करें बेल आइकॉन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के बारे में। जो लोग इंट्राडे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अमी ब्रोकर में, तो अगर वो इंट्राडे में तो ट्रेड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर द्वारा, लेकिन उनको एक जो लॉन्ग एनालिसिस करनी पड़ती है फॉर लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पर एओडी चार्ट उनको देखना हो तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एओडी इंट्राडे में आप यूज़ करते तो इंट्राडे में मैक्सिमम आप कैसे इंट्राडे में जो 1 मिनट 5 मिनट्स के अंदर बनेंगे वो डाटा बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हैवी सेज हो जाए तो आप उसमें सिर्फ 1 साल 1.5 साल तक मैक्सिमम डाटा ले सकते हैं। मतलब उसमें बाद में क्या होता है कि अमी ब्रोकर डाटा में प्रॉब्लम आने की वजह से वो ज़्यादा हैवी लोडिंग की वजह से फंक्शन ठीक तरह से नहीं करता, फिर बाद में नॉट रिस्पॉन्डिंग ये कुछ आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है अमी ब्रोकर में। तो इसके ऊपर मैंने सॉल्यूशन भी निकाला हुआ है। तो आपको क्या करना है, इंट्राडे का सॉफ्टवेयर अलग से आपको इंस्टॉल करना है सी ड्राइव में, फिर बाद में क्या करना है वही आपको जो आप यूज़ कर रहे हैं वही आपको सी ड्राइव का मतलब जो प्रोग्राम फाइल में रहता है अमी ब्रोकर, तो वो फोल्डर कॉपी का कॉपी करके आपको दूसरा ड्राइव में प्रेस करना है, डी ड्राइव जो भी आपको अच्छा लगता है, तो और वहाँ पर आपको डाटा पाथ दे के आपको सिर्फ उसको एंड ऑफ डे के लिए यूज़ करना है। तो वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो मैं ये डाटा हेम कपड़िया से अपडेट करता हूँ। और अभी हेम कपड़िया का मतलब कैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये फ्री वर्जन है, आप इसमें जो अपने इक्विटी स्टॉक है तो उसमें काफ़ी अच्छा डाटा डाउनलोड करके करीबन 3-4 साल चार जितना आपको जितने आपकी मर्जी है 10 साल तक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो इंपोर्ट डाटा करके ले सकते हैं। तो वही मैं आज को अपडेट करके बताता हूँ। अभी फ़िलहाल तो ये 26 मार्च तक ही अपडेट है ईओडी, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं किस तरह हेम कपड़े अभी 26 मार्च से मैं अभी 27 मार्च से 28 मार्च तक डाउनलोड करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर भी किया तो जो छुट्टी रहती तो वो डाउनलोड नहीं लेता। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है हेम कपड़े आप एंड ऑफ डे डाटा इंपोर्ट करने के लिए अमी ब्रोकर में। इंट्राडे में आप अलग से फोल्डर बनाइए, मतलब जो ऑलरेडी आप सी प्रोग्राम में, क्योंकि जो हम टिक बाय टिक या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है इंट्राडे के लिए, तो वो आप सी ड्राइव में डायरेक्टली पाथ देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हेम कपड़िया का आप ईओडी डाटा इसमें आप बहुत सारे फोल्डर भी बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये इक्विटी के लिए मैंने बनाया और फ्यूचर के लिए भी अलग से बनाया। तो तीनों आप एक साथ मत यूज़ कीजिए, क्योंकि डाटा अगर मर्ज है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और उसमें एक बार एक ऐसी भी दिक्कत आती है, अगर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये अपडेट करके बताता हूँ आपको कि किस तरह आप, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा लेकिन जिनको मालूम नहीं है अमी ब्रोकर के ईओडी डाटा जो लॉन्ग एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप डाटा किस तरह इम्पोर्ट करते हैं। हेम कपड़े का अपना डाटा डाउनलोड हो गया, अभी हम इसको पाथ देंगे। तो आपको सबसे पहले फाइल में जाना है, इंपोर्ट विजार्ड में जाना है, और ये फाइल जो डाउनलोड होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, तो पिक फाइल्स करके आपको पाथ सिलेक्ट करना है। अभी ये फ़िलहाल तो मैंने फ्यूचर का डाटा लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फ्यूचर का ईओडी भी मैंने एक फोल्डर कॉपी किया है, इंट्राडे फ्यूचर के लिए किया है, और ये निफ्टी 50 मेरे को इक्विटी के लिए, मैंने ऐसे 3 फोल्डर बनाए हुए हैं। यहाँ से मैं लॉगिन करके देख सकता हूँ, ये फोल्डर ओपन करके देख सकता हूँ। ये देखिए NSE ऑप्शन में गया मैं, और यहाँ पर मैं 26 मार्च से, ये तो हो गया 27 28 सिलेक्ट किया आपने, नेक्स्ट करना है बाद में, फिर इसमें कोई चेंज नहीं करनी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट डिवाइस है रह देने, और नेक्स्ट फिनिश। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अभी आपको आप जो चाहे वो एनालिसिस एंड ऑफ डे, मतलब जो 2-4 दिन 4-5 दिन जो भी आपका तरीका है, जो भी आपका फंडा है, तो आप यूज़ करके
उस पर देख सकते हैं। अभी काफ़ी सारे एनालिसिस आप एंड ऑफ डे के लिए कर सकते हैं, मतलब जो आपको शॉर्ट टर्म कॉल चाहिए तो आप सभी तरह से देख सकते हैं उसमें। तो ये आप जितना ज़्यादा आप डाटा यूज़ करेंगे उतना आपका एनालिसिस, मतलब जितना आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप डाटा डाउनलोड कीजिए। तो मैं चाहता हूँ आप 2-3 साल का, मैक्सिमम 3-4 साल का, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर डेली एनालिसिस करता हूँ और यही डाटा मैं यूज़ करता हूँ, और बाकी अपना जो मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो है जितना, तो मैं इसके हिसाब से देखता रहता हूँ। तो आप इसी तरह आप कौन से भी फोल्डर में डाउनलोड करके आप ये अलग बहुत सारे आप फोल्डर बना के एमबी ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मैंने इक्विटी के लिए बनाया, फ्यूचर के लिए भी अलग कर सकते हैं आप जो भी चाहिए। अगर आपके पास यूएस का डाटा है तो यूएस का डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, कौन से भी, सिर्फ आपके पास डाटा होना चाहिए और आप एक ही कंप्यूटर में एमबी ब्रोकर के अलग सारे फोल्डर बना के आप उसको इम्पोर्ट करके लाइव में, मतलब एंड ऑफ डे में आप अपडेट करके एनालिसिस कम्प्लीटली कर सकते हैं। आप देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या परेशानी है, तो मैं उसको और एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्तों।